Hello children, in this video you will get to know how we can open a text file in Python, what are the different file access modes and how we can close the text file in Python. Okay, so let us start with opening a text file. Aap text file ko kaise open kar sakte ho, right? There are two methods to open a text file. Text file ko open karne ke liye hamare paas do methods hain. First one is using open function. Okay, aap open function ka use karke text file ko open kar sakte ho. Second is using with clause. Aur आप with clause का use करके text file को open कर सकते हो. First method is opening a file using open function. To open a file in Python, we use open function. Text file को open करने के लिए Python में open function का use किया जाता है. Syntax of open function is as follows, right? तो यहाँ पे syntax दिया हुआ है file object equals to open function and open function में आपने उस file का नाम pass किया है जिसको आपको open करना है, right? तो यहाँ पे जो file object है ये क्या बन जाता है, उस file के लिए एक link बन जाता है या फिर आप कह सकते हो reference बन जाता है, right? ये उस file से connect हो जाता है और आपको file के साथ जो भी function करना हो, आपको उसको open करना है या file से related आपको information चाहिए, वो आप किसकी help से आपको मिलेगी, file object की हेल्प से आपको मिलेगी. इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो सिंटेक्स दिया है फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन एंड ओपन फंक्शन में आपने उस फाइल का नाम पास कर दिया जो आपको ओपन करनी है, राइट? यहाँ पे आपने एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट फाइल किस एक्सेस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन होगी. आप उसमें से डेटा को रीड कर सकते हो, राइट? नाउ सेकंड जो सिंटेक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम एंड एक्सेस मोड, राइट? आपने ओपन फंक्शन के अंदर टू पैरामीटर्स को पास किया है, फाइल का नाम, जो वो फाइल जो आपको ओपन करनी है, एक्सेस मोड मतलब किस पर्पज के लिए आपको फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, दोनों फंक्शन करने हैं. ओके, अब देखो फाइल ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम फाइल हैंडल भी है, राइट? फाइल नेम या फाइल पाथ. ओके, फाइल नेम आप कब दोगे, जब आपकी फाइल पाइथन की ही डायरेक्टरी में सेव है. ओके, जहां पे पाइथन के सारे प्रोग्राम्स, जो भी आप पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हो, क्रिएट करते हो, ओके, वो बाय डिफॉल्ट जिस डायरेक्टरी में जाके सेव होते हैं. अगर आपका फाइल उसी डायरेक्टरी में सेव है तो आपको सिंपली फाइल का नेम देना होगा, राइट? अदरवाइज आपको कंप्लीट पाथ देना होगा अगर वो किसी डिफरेंट पोजीशन पे वो लोकेटेड है, राइट? एक्सेस मोड, एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल, राइट? अब हमारे पास एग्जांपल f1 इक्वल्स टू ओपन abc.txt. हम लोग क्या कर रहे हैं, abc.txt फाइल को ओपन कर रहे हैं. अब यहाँ पे abc.txt जो आप फाइल ओपन कर रहे हो वो कहाँ होगी, वो सेम डायरेक्टरी के अंदर होगी. ओके, तो यहाँ पे आपको इसलिए पूरा नेम नहीं देना पड़ा, पूरा उसका पाथ नहीं देना पड़ा, राइट? आपने सिर्फ क्या दिया, नेम एंड उसकी एक्सटेंशन, राइट? और एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से एक्सेस मोड में आएगी, वो रीड मोड में आएगी. ओके, नाउ पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी. पाइथन कहाँ पे देखेगा, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जहां पे वो अपने खुद के प्रोग्राम्स को सेव करता है, राइट? दिस स्टेटमेंट ओपन फाइल्स abc.txt इन द रीड मोड. ओके, इस फाइल को वो कौन से मोड में ओपन करेगा, रीड मोड में, एंड अटैचेस इट टू द फाइल ऑब्जेक्ट. और इस फाइल को किससे अटैच कर देगा, किससे लिंक कर देगा, फाइल हैंडल से, जो ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, नेमली f1. ठीक है, यहाँ पे आपका फाइल हैंडल का नाम क्या है, f1. ओके, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड असाइंस इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट. अगर आपने किसी फाइल का नेम दिया, राइट, ओपन फंक्शन के अंदर आपने कोई भी फाइल पास की, लेकिन वो फाइल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट की हेल्प से, मान लो एबीसी फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, तो क्या होगा, जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है उसकी हेल्प से क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी एबीसी नेम से, एक न्यू एम्प्टी फाइल, क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं होगा, न्यू फाइल क्रिएट होगी, ओके, बाय द नेम एबीसी, राइट? ओके, और किससे कनेक्ट हो जाएगी, f1 हैंडल से हो जाएगी, राइट? और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल 2, आपका फाइल हैंडल है यहाँ पे f2, ओके, इक्वल्स टू ओपन, आपने क्या ओपन कराई है यहाँ पे, फाइल data.txt, राइट? ओपन फंक्शन के अंदर आपने data.txt फाइल को पास कराया, राइट? किस मोड में, रीड मोड में, राइट? अगर r नहीं, अगर आप स्पेसिफाई करते तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, रीड मोड ही होता है. ओके, द अबव स्टेटमेंट ओपन्स द फाइल data.txt इन द रीड मोड बिकॉज r given as the mode and attaches it to the file object namely f2. ठीक है, ये फाइल किससे अटैच हो जाएगी, जाके फाइल हैंडल के साथ अटैच हो जाएगी, राइट? द एग्जाम्पल 3,
F3 equals to open. अब यहाँ पे देखो, आपने फाइल को पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव नहीं किया है, कहीं और किया है, तो आपने पूरा पाथ दिया है, राइट? ओके, और आपने एक्सेस मोड स्पेसिफाई किया. अब क्या है पाथ में, जब आप बैक स्लैश, आप देखते हो क्या होता है, सिंगल बैक स्लैश होते हैं, बट यहाँ पे क्या डबल बैक स्लैश आया हुआ है. ठीक है, ये आपने एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से लगाया है. क्यों लगाया है, देखो, द स्लैशेस इन द पाथ आर डबल्ड बिकॉज स्लैशेस हैव स्पेशल मीनिंग एंड टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग डबल स्लैश इज गिवन. क्योंकि क्या होता है, मान लो स्लैश के बाद जो सिंगल स्लैश है उसके बाद टी आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग टैब हो जाएगा, टैब करेक्टर. ओके, या फिर स्लैश के बाद डी आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा इसका नेम दिया है फाइल का, तो स्लैश के बाद अगर सिंगल स्लैश के बाद डी आ गया तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा न्यूमरिक डेटा. ओके, जो सी प्लस प्लस में क्या होता है, डी का मीनिंग न्यूमरिक डेटा होता है, राइट? या सम एरर या फिर कुछ एरर मीनिंग होता है, फाइन. तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, सिंगल स्लैश को खुद से डबल कर देते हो, राइट? अब यहाँ पे देखो, पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन द ई ड्राइव एंड ओपन इट इन रीड मोड. पाइथन इसको ई ड्राइव में फाइंड आउट करेगा और इसको रीड मोड में ओपन करेगा एंड अटैचेस दिस टू द फाइल ऑब्जेक्ट F3, और इस फाइल को किससे अटैच कर देगा, F3 फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, फाइन. ओके, तो ये समझ में आ गया कि आप डबल स्लैश क्यों लगाते हो, जिससे कि जो सिंगल स्लैश से मीनिंग क्रिएट होता है, स्पेशल मीनिंग क्रिएट होता है, वो क्रिएट ना हो. ओके, नाउ हाउएवर इफ यू वांट टू राइट विद सिंगल स्लैश, यू मे राइट इट इन रो स्ट्रिंग. अगर आप चाहते हो कि सिंगल स्लैश के साथ आप लिख सको, फाइन, आपको इसे डबल ना करना पड़े, आपको इसको डबल ना करना पड़े, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्लैश का ही यूज करना पड़े, फाइन. तो आप किसका यूज कर सकते हो, आप रो स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो. रो स्ट्रिंग क्या है, आप जो भी आपका आया एड्रेस, जो भी फाइल की लोकेशन है, ओके, उसके आगे आपको आर लगाना है, आर प्रीफिक्स लगाना है. ठीक है, द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रिंग मेक्स इट रो स्ट्रिंग. जब आप प्रीफिक्स आर लगा देते हो किसी भी स्ट्रिंग के आगे, वो इसको रॉ स्ट्रिंग बना देती है. डेट मीन्स देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी करेक्टर. मीन्स ये इस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करेक्टर का कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा, चाहे आप स्लैश टी लिखो, चाहे आप स्लैश डी लिखो, कोई भी आप करेक्टर हो, उसका कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग से पहले क्या लगा दिया है, आर को लगा दिया है. ओके, तो यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फाइन. तो यहाँ पे मैंने फाइल हैंडल ले दिया. पहले हम लेते हैं कमेंट यूजिंग ओपन फंक्शन, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लोगे, फाइल हैंडल मैंने लिया F1 ओपन, राइट? मैं कौन सी फाइल को ओपन कराना चाहती हूँ, abc.txt, राइट? अब देखो, मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है ओनली, तो ये जो मेरी फाइल बनी हुई है वो कहाँ पे है, वो पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव है. ओके, जहाँ पे पाइथन के सारे प्रोग्राम सेव होते हैं, ये फाइल वही है, राइट? तो इसलिए मुझे इसका कंप्लीट लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट? अब आपने क्या किया, str एक वेरिएबल ले लिया और आपने फाइल हैंडल डॉट f1 डॉट रीड फंक्शन दे दिया. रीड फंक्शन से मैं क्या करा रही हूँ, abc फाइल के 30 करेक्टर्स, यहाँ पे हम 30 करेक्टर्स ले लेते हैं, 40 जितने भी आपको करेक्टर्स रीड कराने हैं वो हम लोग रीड करा रहे हैं, राइट? रीड 30 एंड देन आपने दे दिया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट करके आप इसको प्रिंट करा दो. 30 करेक्टर्स रीड करा के आपने इनको प्रिंट करा दिया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने फाइल को ओपन किया, abc.txt फाइल को ओपन किया. ओके, वो किससे लिंक हो गई, वो आपकी फाइल हैंडल F1 से लिंक हो गई. अब आपने फाइल हैंडल की हेल्प से उसकी 30 करेक्टर्स को रीड किया, वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, str वेरिएबल में स्टोर होंगे. ओके, और फिर आपने str को प्रिंट करा दिया, फाइन, राइट? अब आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल S, सेव कर लिया आपने फाइल को. कोई भी नाम आप दे सकते हो, d1 दे दिया, मान लो मैंने इसका नेम दे दिया d1.py, सेव. अब इसको रन कराते हैं, मेरी F5 फंक्शन की वर्क नहीं करी है, तो मैं यहाँ से रन कराती हूँ F5, राइट? तो देखो, इसकी जो 30 करेक्टर्स आपने रीड कराए थे, वो 30 करेक्टर्स यहाँ पे आ गए, द थर्स्टी क्रो आफ्टर फ्लैंग. ओके,
नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेकेंड जो पैरामीटर है ओपन फंक्शन का उसको यूज कर लेती हूँ, एक्सेस मोड। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस मोड दे दिया, रीड मोड, राइट। और एफ वन डॉट रीड में मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से 30 कैरेक्टर्स हटा देती हूँ, ओके। एफ वन डॉट रीड फंक्शन, अब मैंने सिंपल रीड फंक्शन दे दिया है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा, ये कंप्लीट फाइल को रीड करके मुझे दे देगा, फाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाएगी, ओके। अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, फाइन, एंड देन वी विल रन इट। अब देखो कंप्लीट फाइल आपके पास आ गई है, ओके, आपने कंप्लीट फाइल को रीड करा लिया है, ओके। अब मैं किसी डिफरेंट लोकेशन से क्या करती हूँ, फाइल में से डेटा को रीड कराती हूँ। तो मैं यहाँ पे एबीसी फाइल का नेम डिलीट कर देती हूँ और किसी डिफरेंट लोकेशन से फाइल को मैं कॉपी करती हूँ। लेट अस सपोज मैंने ई ड्राइव में कोई टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, उसका डेटा हम यहाँ पे रीड करते हैं, फाइन। तो आप यहाँ से सिंपल लिख भी सकते हो ई, ओके, स्लैश, मेरी फाइल का नेम है डेटा डॉट टीएक्सटी, फाइन, कंट्रोल एस, राइट। मैंने यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था, अदरवाइज आप इसका फाइल का लोकेशन क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ओके। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करा देते हैं, रन। देखो आपकी कंप्लीट स्टोरी आ गई है जो आपकी डेटा फाइल में स्टोर थी, ओके। अदरवाइज अगर आपको इसका फाइल कॉपी करना है तो आप कहाँ जाओगे, ये हमारी डेटा फाइल है, इस पे राइट क्लिक करो, राइट, और प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपली ई ड्राइव में है, तो आप यहाँ से ई लोकेशन कॉपी करोगे और फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन, ओके, ई स्लैश डेटा डॉट टीएक्सटी, राइट। पे हमारे पास ओपन फंक्शन की कंप्लीट समरी है। पाइथन्स ओपन फंक्शन क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन फंक्शन क्या क्रिएट करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विच सर्व्स एज अ लिंक टू अ फाइल रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर। वो कैसे काम करता है, फाइल ऑब्जेक्ट एज अ लिंक, ओके, उस फाइल का लिंक बन जाता है जो आपके कंप्यूटर पे है, राइट, जिसको आप ओपन कर रहे हो, उसका एक क्या बन जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट उसका लिंक बन जाता है, राइट, उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है, ओके। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन इज अ पाथ टू द फाइल यू वुड लाइक टू ओपन। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हम पाथ देते हैं या फाइल नेम देते हैं, ओके। इफ जस्ट द फाइल नेम इज name is given, then Python searches for the file in the current folder. अगर हम सिर्फ फाइल का नेम देते हैं तो Python फाइल को कहाँ सर्च करता है, अपनी करेंट डायरेक्टरी में, अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में उस फाइल को सर्च करता है। अदरवाइज अगर आपने कहीं और फाइल को सेव किया है तो आपको उसकी कंप्लीट लोकेशन, कंप्लीट पाथ देना होता है, ओके। द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू अ मोड विच इज टिपिकली रीड, राइट और अपेंड। जो सेकेंड पैरामीटर आप पास करते हो ओपन फंक्शन में वो क्या होता है, एक्सेस मोड होता है, कि आप रीड फॉर्म में उसको फाइल को ओपन करना चाहते हो, राइट फॉर्म में, या फिर आप अपेंड फॉर्म में उसमें कुछ आप ज्वाइन करना चाहते हो डेटा, ओके। इफ नो सेकेंड पैरामीटर इज गिवन देन बाय डिफॉल्ट इट ओपन्स इट इन द रीड मोड। अगर सेकेंड पैरामीटर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट फाइल किस मोड में ओपन होती है, रीड मोड में ओपन होती है, ओके। नाउ वी हैव सेकेंड मेथड टू ओपन अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज। अब हम फाइल को कैसे ओपन करेंगे, विद क्लॉज का यूज करके, ओके। इन पाइथन वी कैन ऑल्सो ओपन अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज। द सिंटेक्स ऑफ विद क्लॉज इज, सिंटेक्स क्या है विद क्लॉज का, विद, आपको विद कीवर्ड लगाना है, ओके। ओपन, ओपन में आप फाइल का नेम पास करोगे, एक्सेस मोड आप स्पेसिफाई करोगे एज, ओके, एज फाइल ऑब्जेक्ट। तो आपका फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आफ्टर एज, एज, राइट, एज फाइल ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे एग्जांपल है विद ओपन, आपने फाइल का नेम पास किया माई फाइल डॉट टी एस टी, ओके, आर प्लस मोड में वो क्या होगी, ओपन होगी, ओके, एज माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट, फाइन। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विद क्लॉज इज दैट एनी फाइल दैट इज ओपन यूजिंग दिस क्लॉज इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। मैंने आप जब आपको ओपन फंक्शन का यूज बताया था तो मैंने बोला था कि आप फाइल हैंडल को क्लोज भी करोगे इसके अंदर, राइट, लेकिन विद क्लॉज जब आप यूज करते हो तो आपको क्लोज फंक्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही फाइल को ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है, राइट। हियर वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली यूजिंग क्लोज स्टेटमेंट। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्लोज स्टेटमेंट देकर उसको खुद से क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्लोज हो जाती है फाइल, राइट। पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल, पाइथन अपने आप फाइल, ओके। तो यहाँ पे हम पहले ओपन फंक्शन का यूज करके देखेंगे, राइट,
तो पहले हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं, यूजिंग यूजिंग ओपन फंक्शन, राइट। अब ओपन फंक्शन में क्या और विद क्लॉज में क्या डिफरेंस है मैं इसको बताती हूँ। आपने ओपन फंक्शन यूज किया, ओके, और आपने यहाँ पे कोई भी फाइल बनाई, जैसे आपने फाइल नेम दे दिया, फाइल नेम आपने दे दिया फाइल फाइव, ओके, डॉट txt, राइट। और आपने एक्सटेंशन दे दी यहाँ, सॉरी यहाँ पे एक्सेस मोड आपने दिया है राइट मोड, ओके। आप फाइल में कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हो, कुछ डेटा राइट करना चाहते हो, फाइन। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया f1 डॉट राइट, राइट आप इसमें डेटा राइट करा दो, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ओके। नाउ वी हैव f1। अब देखो मैंने ओपन की है फाइल, बट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करती हूँ, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते तो क्या हमारा डेटा फाइल के अंदर राइट होता है या नहीं होता है। एक मैंने स्टेटमेंट दे दी प्रिंट डेटा रिटन इन अ फाइल नेम्ड फाइल फाइव, ठीक है। डेटा हमने कहां पे राइट करा है, फाइल फाइव। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया फाइल का f1 दे देते हैं, f1.py, ओके। और इसको हम रन करके देखते हैं, रन। देखो आपका ये स्टेटमेंट तो आ गया, डेटा रिटर्न इन अ फाइल नेम्ड f5। अब देखते हैं कि फाइल में डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। देखो आपके यहाँ पे फाइल 5 क्रिएट हो चुकी है, ओके। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें डेटा रीड हुआ है या नहीं हुआ है, ओके, मतलब डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो इसमें कोई भी डेटा राइट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया। जब आप ओपन फंक्शन का यूज करते हो और अगर आपको किसी भी फाइल में डेटा को राइट करना है तो आपको क्लोज फंक्शन का भी यूज करना होता है, ओके। तो यहाँ पे डेटा राइट नहीं हुआ क्योंकि हमने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया है। इसको क्लोज कर देते हैं, फाइन, और अपनी फाइल पे जाते हैं। आप अपनी फाइल पे जाओगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे आपने दिया f1.close, ओके, और इसको सेव कर दो। मैं क्या करना है, सेव करना है। हमने f1.close फंक्शन दे दिया, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट। एग्जीक्यूट हो गया, डेटा रिटर्न इन अ फाइल नेम्ड f5, ओके। अब हम लोग फाइल में जाएंगे, f5 फाइल को ओपन करेंगे, तो देखो यहाँ पे अब डेटा राइट हुआ है जब हमने क्या किया है, f1.close फंक्शन का यूज किया है, फाइल हैंडल के साथ क्लोज फंक्शन का यूज किया है, ओके। इसको आप, ओके, नेक्स्ट हम किसका यूज करें, विद क्लॉज का यूज करें अपनी फाइल को ओपन कराने के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं यूजिंग यूजिंग विद स्टेटमेंट या विद क्लॉज, जो भी आप देना चाहते हो, फाइन, ओके। अब यहाँ पे आप दोगे विद, विद में ओपन, ओके, फाइल का नेम ले लेते हैं हम लोग फाइल 6 .txt, राइट, ओके। किस मोड में आपको ओपन करना है, उसमें डेटा राइट करना है, तो आपने राइट मोड में लिया है, एस एफ, एफ क्या है, फाइल हैंडल, फाइल हैंडल। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉलन दिया है, तो अब आप जब एंटर प्रेस करोगे तो इंडेंटेड फॉर्म में ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है, कि मतलब ये एफ के, ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही आपकी नेक्स्ट लाइन है। f.write, अब हैंडल की हेल्प से हम क्या राइट करें, f6 फाइल के अंदर हम डेटा राइट करें, जैसे आपने ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास, ओके, आपने ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट। और उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट डेट, प्रिंट करा देते हैं डेटा रिटर्न इन फाइल 6, सिंपल, ओके।
अब देखो यहाँ पे जब मैं विद क्लॉज यूज कर रही हूँ, मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है, क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे फाइल 6 में डेटा राइट होता है या नहीं होता है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया आपने, इसका नेम दे दिया f2.py, सेव राइट। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। आपका आ गया डेटा रिटर्न इन फाइल 6, फाइन आ गया। अब देखो फाइल सिक्स पहले हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी फाइल 6 है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आया है इसमें डेटा वेलकम टू पाइथन क्लास। ओके, यहाँ पे आपको क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ा जब आपने विद क्लोज का यूज किया है। ओके, अब यहाँ पे हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर जो हमारा क्रिएट होता है उसके कुछ क्या है एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में जान लेते हैं। द फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल has certain attributes, right? उसके कुछ characteristics हैं that tell us basic information about the file, जिसकी help से हम file की basic information को जान सकते हैं। First क्या है, अगर आप file dot closed use करते हो, right? File dot closed returns true if the file is closed or false otherwise. Okay? तो यहाँ पे file dot closed में जो ये file है वो file handle है, right? Okay? देन फाइल डॉट मोड रिटर्न्स द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन। इससे आप फाइल का मोड बता सकते हो कि किस मोड में आपकी फाइल ओपन हुई है, राइट। फाइल डॉट नेम मतलब यहाँ पे जो फाइल वर्ड है वो फाइल हैंडल है। ओके, जैसे F1 हो गया, F1 डॉट क्लोज, तो आपको पता चल जाएगा ये F1 वाली जो फाइल, F1 हैंडल जिस फाइल से भी लिंक है वो क्लोज हो गई है या नहीं है। ओके, रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड, वो ट्रू कर देगा अगर फाइल क्लोज हो गई है, फॉल्स दे देगा अगर फाइल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे एक्सेस मोड के लिए रिटर्न्स एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, ये क्या रिटर्न करेगा, उस एक्सेस मोड को रिटर्न करेगा जिसमें फाइल ओपन हुई है। और फाइल हैंडल डॉट नेम से क्या होगा, नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम आपके पास आ जाएगा। अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन द डिस्क, ये क्या होता है, लिंक कह सकते हो या रेफरेंस होता है उस फाइल का जो आपके पास आपके सिस्टम पे स्टोर है। इट ओपन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो और उसको डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास क्या है, फाइल एक्सेस मोड मतलब किस फाइल में आप, किस मोड में आप फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, राइट। द एक्सेस मोड इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी एक्सेस बाय द प्रोग्राम। तो एक्सेस मोड क्या है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब आप इसको दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। आप इसको ओपन फंक्शन में पास भी कर सकते हो या आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ओपन या फंक्शन में या विद क्लॉज के साथ, राइट। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रोसेसिंग मोड, इसको प्रोसेसिंग मोड भी कहा जाता है क्योंकि ये बताता है कि किस फॉर्म में आप फाइल की प्रोसेसिंग करना चाहते हो। आप उसमें से डेटा को रीड करना चाहते हो या आप उसके अंदर डेटा को राइट करना चाहते हो या आप उसके अंदर डेटा को अपेंड करना चाहते हो या दोनों तीनों फंक्शन या दोनों फंक्शन करना चाहते हो। ओके, हियर मोड मींस द ऑपरेशन फॉर विच द फाइल हैज टू बी ओपन। तो मोड क्या है, वो ऑपरेशन है, वो काम है जिसके लिए आप फाइल को ओपन करना चाहते हो। लाइक आर फॉर द रीडिंग, जैसे आर मोड क्या होता है, रीडिंग के लिए, डब्ल्यू फॉर द राइटिंग, प्लस फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, अगर प्लस आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रीडिंग भी और राइटिंग भी। ए फॉर द अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, एक इसलिए होता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है उसके अंदर और डेटा को ज्वाइन करने के लिए, अपेंड करने के लिए। ओके, द डिफॉल्ट इज द रीड मोड, और अगर आप कोई भी एक्सेस मोड नहीं देते तो कौन सा मोड आता है, रीड मोड। In addition, we can specify whether the file will be handled as binary or text mode. आप इसमें ये भी specify करते हो कि आप जो file access कर रहे हो वो किस form में handle होगी, binary form में handle होगी या text form में handle होगी, right? By default, files are opened in text mode. That means strings can be read or written. By default, किस form में आपकी file open होती है, text mode में होती है, जहाँ पे आप strings को read कर सकते हो, write कर सकते हो। फाइन, फाइल कंटेनिंग नॉन टेक्सचुअल डेटा, लाइक नॉन टेक्सचुअल डेटा जैसे इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, ओके, आर ओपन इन बाइनरी मोड। ये फाइल किस मोड में ओपन होती है, बाइनरी मोड में, 0-1 की फॉर्म में। डेट मीन्स रीड एंड राइट आर परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यहाँ पे किस फॉर्म में रीड एंड राइट फंक्शन परफॉर्म होंगे, बाइट्स की फॉर्म में। ओके, वो किसको रीड करेंगे, बाइनरी फॉर्म को, 0-1 को रीड करेंगे। ओके, रीड एंड राइट वॉट एवर। नाउ वी हैव बिलो गिवन टेबल लिस्ट वेरियस फाइल एक्सेस मोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल दी हुई है जहाँ पे एक्सेस मोड दिए, ये मैंने टेबल एनसीईआरटी से लिए, ठीक है। डेट कैन बी यूज विद द ओपन मैथड,
आप इनको ओपन मेथड में पास करके यूज कर सकते हो. द फाइल ऑफसेट, यहाँ पे देखो ये कॉलम है फाइल ऑफसेट का. पोजीशन इन द टेबल रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट व्हेन द फाइल इज ओपन इन अ पर्टिकुलर मोड. तो फाइल जो ऑफसेट पोजीशन है वो क्या है, वो फाइल हैंडल की, फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है कि जब फाइल ओपन होगी तो फाइल हैंडल कहाँ पे होगा, कहाँ से वो रीड करना स्टार्ट करेगा, कहाँ से वो राइट करना स्टार्ट करेगा, कहाँ पे वो अपेंड करना स्टार्ट करेगा. ओके तो फर्स्ट देखो आपका आर है, ओपन्स द फाइल इन रीड ओनली मोड. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, इस सिर्फ रीड मोड में आपकी फाइल ओपन होगी, आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो. और यहाँ पे जो आपका फाइल हैंडल कहाँ होगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग फाइल के स्टार्टिंग से. देन आपका है बी, आर बी, तो जहां पे बी बी है वो किसके लिए, बाइनरी फाइल्स के लिए है. ओपन्स द फाइल इन बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करेगा और रीड ओनली मोड में फॉर्म ओपन करेगा, रीड ओनली और किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में. फाइन, और हैंडल की पोजिशन क्या होगी, बिगनिंग ऑफ द फाइल, आर प्लस और प्लस आर. ओके, ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड, तो इसका क्या मीनिंग है, ये दोनों ही मोड में फाइल को ओपन करेगा, आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो डेटा को. और हैंडल की पोजीशन क्या होगी, बिगनिंग ऑफ द फाइल. देन डब्ल्यू, ओपन द फाइल इन राइट मोड, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑल द कंटेंट्स विल बी ओवररिटन, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. जैसे अभी हमारे हमने क्या किया था, फाइल अपने आप क्रिएट हुई थी और उसके अंदर डेटा आपने राइट किया था. अगर ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो जो भी डेटा आप प्रोग्राम के थ्रू इसमें लिख रहे हो तो क्या होगा, पुराना डेटा को वो क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा उसमें आ जाएगा. राइट, देखो इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑल द कंटेंट विल बी ओवर रिटन. फाइन, पुराना डेटा डिलीट होके आपका न्यू डेटा उसके अंदर राइट हो जाएगा. और हैंडल की पोजीशन क्या होती है, बिगनिंग ऑफ द फाइल. ओके, नाउ डब्ल्यू बी प्लस और प्लस डब्ल्यू वी, ओपन द फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड. बी का मतलब क्या है, बाइनरी फाइल ओपन होगी. और यहाँ पे जैसे आर प्लस और या फिर प्लस आर का क्या मीनिंग था, दोनों रीड और राइट मोड में ओपन होगी. ऐसे ही अगर आप डब्ल्यू प्लस या प्लस डब्ल्यू करते हो तो इसका भी यही सेम मीनिंग है कि दोनों मोड में ओपन होगी, रीड एंड राइट मोड में. ओके, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द कंटेंट विल बी ओवर रिटन. अगर पहले से उस नेम की फाइल बनी हुई है तो अगर आप डेटा न्यू डेटा राइट करोगे तो क्या होगा, पुराना डेटा डिलीट होकर न्यू डेटा आ जाएगा. इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट, और अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो एक न्यू फाइल बन जाएगी. ओके, यहाँ पे भी हैंडल की पोजीशन क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल. राइट, नाउ ए, ओपन द फाइल इन अपेंड मोड. यहाँ पे ए किसके लिए है, फाइल को अपेंड मोड में ओपन करने के लिए. अपेंड मतलब न्यू डेटा को लास्ट डेटा से ज्वाइन करने के लिए, जो एंड ऑफ द फाइल होता है वहां पे. If the file doesn't exist, then a new file will be created. अगर फाइल नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी. और यहाँ पे हैंडल की पोजीशन क्या होती है, एंड ऑफ द फाइल. ओके, एक हैंडल कहाँ पे आपका आता है, एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि जहां पे डेटा खत्म हुआ है वहां से ही आप न्यू डेटा को अपेंड करोगे. फाइन, नाउ ए प्लस और प्लस ए, ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड. तो यहाँ पे ए प्लस और प्लस ए का क्या मीनिंग है, फाइल ओपन होगी किसमें, रीड मोड में और अपेंड मोड में. आप डेटा रीड भी कर सकते हो, डेटा को अपेंड भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो. ठीक है, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल. और अगर फाइल नहीं है तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी. और यहाँ पे भी हैंडल की पोजीशन क्या है, एंड ऑफ द फाइल, मीन्स जहां तक डेटा है उसके बाद से डेटा, न्यू डेटा अपेंड होना स्टार्ट होगा. फाइन, लास्ट वी हैव क्लोजिंग अ फाइल. ठीक है, आपने ओपन किया फाइल को ओपन फंक्शन की हेल्प से, विद क्लोज की हेल्प से. राइट, अब हम फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. ओके, वंस वी आर डन विद द रीड राइट ऑपरेशन ऑन अ फाइल, इट इज गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल. क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जो भी फंक्शन करना था, ऑपरेशन करना था फाइल पे, वो आप कर चुके हो रीड राइट ऑपरेशन, अभी अब आपको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है. पाइथन प्रोवाइड्स अ क्लोज मेथड टू डू सो. इसके लिए पाइथन ने क्या किया है, आपको क्लोज फंक्शन प्रोवाइड किया है, क्लोज मेथड प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो. ओके, व्हाइल क्लोजिंग अ फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट. जब आप क्या करते हो, फाइल को क्लोज करते हो, तो जो भी मेमोरी उसने ले रखी है वो क्या होती है, वो फ्री हो जाती है, वो डिफरेंट दूसरी फाइल के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, फॉर द स्टोरेज ऑफ सम अदर फाइल और फॉर डूइंग सम अदर पर्पस. राइट, सिंटेक्स क्या है इसका, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज. ओके, फाइल का, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्लोज फंक्शन. ये फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट डेट वॉज रिटर्न वाइल ओपनिंग द फाइल. फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो कब आपको मिलता है, जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हो. राइट, इट इज ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल वंस
our work is done. Also, if the file object is reassigned to some other file, the previous file is automatically closed. तो ये क्या कह रहा है कि आपको हमेशा एडवाइस की जाती है कि आप अपनी फाइल को क्लोज करें जब आपका काम हो जाए, राइट? और अगर आप क्या करते हो, सेम फाइल हैंडल या फिर सेम फाइल ऑब्जेक्ट किसी दूसरी फाइल को असाइन कर देते हो, तो जो पहली वाली फाइल होती है वो अपने आप ही क्या होती है, क्लोज हो जाती है. ओके, ये हमने क्लोज का फंक्शन का यूज अभी अभी करके देखा भी था. ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.